hello friend welcome to my youtube channel and as promised this is the second part of the current affairs multiple choice question for the month of may in this video you will see something different i am i have tried something different to teach you multiple choice question and i have used new method so watch the video till end and you will find more first question is world health organization एंड द यूनाइटेड नेशन् पोस्टल एडमिनीस्ट्रेशन देव रिलीज कॉमेमोरेटिव पोस्टे स्टैम्प ऑन द फोर्टीन एनिवर्सरी ऑफ इरेडिकेशन ऑफ विज डिजीज यानी कि किस डिजीज़ के ख़त्म होने पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यू एच ओ और यू एन पी ओ ने एक पोस्टे स्टैम्प जारी किया है उस बीमारी का नाम क्या है तो उस बीमारी का नाम है स्मॉल पॉक्स ठीक यानी कि पहले आपको याद रखना है कि चालीस साल इसका रेडिकेशन का हो चुका है नेक्स्ट इज द क्वेश्चन हु विल हेड द फाइव मेंबर फैक्ट फाइंडिंग नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल पैनल इन द एल जी पॉलीमर गैस लीक ट्रेडिडे इन विशाखापतनम आप लोगों को सबको पता है कि विशाखापतना में जो एल जी पॉलीमर गैस लीक हुआ था स्टाइरिन गैस इसके लिए एक कमेटी बनाया गया है उस कमेटी को हेड कौन करेंगे इस कमेटी को हेड करेंगे जस्टिस बी सेशायन रेड्डी ठीक अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हरी शंकर वासुदेवन हाल फिलहाल में इनकी मृत्यु हो गई है और ये हरी शंकर वासुदेवन किस फील्ड से रिलेटेड थे ही वॉज़ हिस्टोरियन इनकी कलकत्ता में ही इनकी मौत हुई है आप लोग खबर को ठीक से पढ़िएगा न्यूज़ में अगला क्वेश्चन है कि एफ आई आर आपके द्वार योजना ये स्कीम किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है एफ आई आर आपके द्वार योजना आप लोग खुद से देने की कोशिश कीजिएगा इसका आंसर है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट यानी कि मध्य प्रदेश सरकार ने ये स्कीम चलाई है अगला क्वेश्चन है कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे भारत में किस दिन को मनाया जाता है यानी कि कितने किस डेट को मनाया जाता है किस डेट में मनाया जाता है तो इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन एलेवेंथ ऑफ द मे ठीक है अगला प्रश्न है विच इंस्टीट्यूट्स हैव डेवलप्ड द इंडिजिनस एलिसा टेस्ट और इसका नाम है कोविड कवच एलिसा नाम याद रखिएगा कोविड कवच एलिसा और इस इंस्टीट्यूट्स का नाम बताना है तो ये है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो कि पुणे में है इस दो ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर ये बनाया है रिसेंटली किसी की मृत्यु हुई है और उसे कहा जाता है कि ही वॉज़ द आर्किटेक्ट ऑफ रॉक एंड रोल रॉक एंड रोल बहुत पॉप सॉन्ग था अमेरिका में बहुत फेमस उसके लीड सिंगर कौन थे आर्किटेक्ट बोला जाता है इन्हें उनका नाम क्या था तो उनका नाम था लिटिल रिचर्ड आप देख सकते हैं इनकी पिक्चर भी यहाँ पर है और उनका नाम था लिटिल रिचर्ड अगला क्वेश्चन है कि किस म्युनिसिपल बॉडी ने यानी कि किस म्युनिसपल ऑथोरिटी ने देश में प्राण वायु प्रोग्राम लॉन्च किया है नाम है स्कीम का याद रखिएगा प्राण वायु प्रोग्राम और उनका नाम है इस संगठन का नाम है बेंगलुरु महानगर पालिका यानी कि बेंगलुरु महानगर पालिका ने यह प्राणवायु प्रोग्राम शुरू किया है अगला क्वेश्चन है कि वो भारत के पहले प्रथम कौन व्यक्ति हैं जिसने फेड कप हार्ट अवार्ड जीता है यानी कि फेड कप अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन है पिक्चर देखकर आप पहचान जाएंगे कि वो कौन है सी इज नथिंग वन सानिया मिर्जा इज द फर्स्ट इंडियन अगला क्वेश्चन है कि एक ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली एक रिपोर्ट जारी किया था जिसमें कहा गया है कि भारत में जो सी कार्बन डाइऑक्साइड का जो इमिशन होता है ये अपने चार दशक के में सबसे निचले स्तर पर है यानी कि लास्ट फोर डिकेड में सबसे कम इमिशन इंडिया में हुआ है इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताना है तो सबसे नीचे में आप देख सकते हैं ये सी ओ बी बी सी की एक रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि 1982 के बाद सबसे ज़्यादा इंडिया में सी ओ टी की मिशन रेट कम हो गई है ये आप देख सकते हैं नीचे में 2020 हज़ार बीस जहाँ पर लिखा हुआ बी बी सी के ऊपर वहाँ पर ये देख सकते हैं और बी बी सी जहाँ है उसी की साइड में देखिए ये रिपोर्ट जारी किया किसने सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर और इसके बहुत सारे कारण हैं लेफ़्ट साइड में आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो है वो सी ओ टू के सबसे ज़्यादा इसमें कंट्रीब्यूट करता है लेकिन अभी हाल फिलहाल लॉकडाउन की वजह से इन सब संगठनों में इन सब एरिया में सब मंदी का दौर चल रहा है तो इस वजह से बहुत सारे सी ओ टू का एमिशन कम हुआ है अगला क्वेश्चन है कि एक यूनियन मिनिस्ट्री ने एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका फुल फॉर्म है चैम्पियंस ये पोर्ट पोर्टल किस यूनियन मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है चलिए देखते हैं इसका नाम है आप यहाँ अगर अच्छे से पॉज करके इसे पढ़ें तो इस मिनिस्ट्री का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज़ेज। इस मिनिस्ट्री ने शुरू किया है और चैम्पियंस का फुल फॉर्म भी आप लोग देख लें क्रिएशन एंड हारमोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं यहाँ पे लिखे हुए आप पहुँच करके इसे अच्छे से, से पढ़ सकते हैं अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2020, यानी कि इस रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया इज अमंग 88 कंट्रीज डेट आर लाइकली टू मिस ग्लोबल न्यूट्रिशन टारगेट यानी कि एक टारगेट सेट किया गया था ग्लोबल न्यूट्रिशन का वो इंडिया मिस कर जाएगा और इंडिया ये अमंग 88 एट कंट्री ये टारगेट किस साल इंडिया मिस कर जाएगा क्वेश्चन ये है तो ये 2025 में ये टारगेट इंडिया मिस कर जाएगा बहुत इंपॉर्टेंट है रिसेंटली एक देश के राष्ट्रपति ने ग्रीस साइप्रस इजिप्ट फ्रांस और यूएई पर इल्जाम लगाया है कि दे आर मेकिंग दे आर फॉर्मिंग एन अलायंस ऑफ इविल। इस देश के प्रेसिडेंट का नाम बताना है कि किसने ये इल्जाम लगाया है तो उनका नाम है हैय्यब एर्दोगान इसी तरह से प्रोनाउंस करते हैं ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ टर्की ओके अगला प्रश्न है कि विच फाइनेंशियल बॉडी हैज सेंशन वन बिलियन डो वन बिलियन डॉलर लोन टू इंडिया टू हेल्प फाइट द कोविड नाइन्टीन पैंडेमिक अंडर इमरजेंसी असिस्टेंस प्रोग्राम लोन प्रोग्राम का नाम अच्छे से याद रखिएगा इमरजेंसी असिस्टेंस प्रोग्राम लोन ठीक इस संगठन का नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक न्यू डेवलपमेंट बैंक से लास्ट ईयर 2019 में यूपीएससी के पीलीम्स में एक क्वेश्चन पूछा गया था तो इसलिए आप लोग इसे ज़रूर याद रखें इसके प्रेसिडेंट जो हैं वो इंडियन हैं के वी कामत जो कि आई के पहले चेयरमैन थे अगला क्वेश्चन है कि विच यूनियन टेरिटरी हैज़ क्रिएटेड द वर्ल्ड फर्स्ट कंजर्वेशन एरिया फॉर सी कोकुम्बर्स एंड इसका नाम है डॉक्टर के के मोहम्मद कोया सी कोकुम्बर कंजर्वेशन रिजर्व इस किस यूनियन टेरिटरी ने बनाया है उसका नाम है लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी। अगला प्रश्न विच स्टेट हैज़ लॉन्च मिशन ग्रैंड केयर टू स्प्रेड मैसेज ऑफ एल्डरली सेफ्टी यानी कि बुरे बुजुर्गों को बचाने के लिए उनको हेल्प करने के लिए ये स्कीम चालू किया गया मिशन ग्रैंड केयर ये लॉन्च किया है गवर्नमेंट ऑफ केरला ने ठीक तो याद रखिएगा ओरिजिनल प्रोग्राम का नाम शायद कुकुन्दुम्बी कुछ इस टाइप का नाम है अगला प्रश्न है कि रिसेंटली प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना यानी कि मरीन फिश और इनलैंड फिशरी के डेवलपमेंट के लिए एक स्कीम शुरू हुआ है जिसका नाम है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना इसमें कितने कितने रुपए का यानी कितने करोड़ या कितने फंड अलॉट किया गया है तो इसके लिए टोटल बीस हज़ार करोड़ रुपये का फंड अलॉट किया गया है बहुत बड़ी अमाउंट है इसके बारे में डिटेल्स में भी लिखा जा चुका है नीचे में आप इसे वीडियो को पॉज करके जूम करके देख सकते हैं अगला प्रश्न है कि इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस ये कितने किस डेट को मनाया जाता है तो इट इज सेलिब्रेटेड ऑन सिक्सटीथ मे याद रखिएगा अगला क्वेश्चन है विच फाइनेंशियल बॉडी अप्रूव्ड अ वन बिलियन डॉलर लोन याद रखिए कि इससे पहले भी न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भी वन बिलियन डॉलर का लोन दिया है लेकिन उस प्रोग्राम का नाम अलग था यहाँ जो प्रोग्राम है उसका नाम देखिए क्यों टू सपोर्ट इंडियाज एफर्ट्स फॉर प्रोवाइडिंग सोशल असिस्टेंस टू पुअर एंड वनरेबल हाउस होल्ड्स सीवियरली इम्पेक्टेड बाई द कोविड नाइन्टीन पैंडेमिक क्वेश्चन को हमेशा अच्छे से पढ़ें आप लोग ये वर्ल्ड बैंक ने ये लोन इशू किया है अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल म्यूजियम डे किस तारीख को मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है एटीनथ ऑफ द मे ठीक अगला क्वेश्चन केंद्र सरकार ने एक योजना चालू किया है जिसमें कहा गया है कि क्लास वन से लेकर ट्वेल्व तक के लिए हर क्लास के लिए एक डायरेक्ट टू होम डी चैनल शुरू किया जाएगा ठीक और उसके बाद हायर स्टूडेंट्स के लिए हायर एजुकेशन के लिए भी अलग से ऑनलाइन कोर्स शुरू किया जाएगा इस योजना का नाम क्या है तो बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है अगर आप जूम करके इसे पढ़ें तो देखिए पहला जो बुलेट पॉइंट है वहीं लिखा हुआ है प्राइम मिनिस्टर ई विद्या योजना तो इस योजना का नाम है प्राइम मिनिस्टर ई विद्या योजना अगला प्रश्न है कि विच ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस इंटरनेशनल आर्टेमिस ये आर्टेमिस किस लिए हैं टू स्टैंडर्डाइज हाउ टू एक्सप्लोर द मून यानी कि चांद के धरातल पर क्या खोज करना है नहीं करना है तो इस अकॉर्ड में ये सब बातें लिखी रहेंगी दिस हैज बीन बाय नासा नासा इज स्पेस एजेंसी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अगला प्रश्न है अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स विच सिटीज़ हैव गॉट द फाइव इस्टार गारज फ्री रेटिंग यानी कि फाइव स्टार गारबेज फ्री रेटिंग इन इस, इस, इस शहरों को दिया गया है उन शहरों का नाम है मायसूरू अंबिकापुर राजकोट सूरत नवी मुंबई एंड इंदौर ये पाँच शहरों का नाम आप लोग ज़रूर याद रखें अगला क्वेश्चन है कि एक देश ने रिसेंटली उस देश के स्पेस डिफेंस यूनिट शुरू किया है जिसका नाम है स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन ये किस देश ने लॉन्च किया है उस देश का नाम है जापान जापान ने ये रिसेंटली लॉन्च किया है और आपको इसी सिलसिले में बता दूं कि अमेरिका हैव आल्सो अमेरिका हैज ऑल्सो लॉन्च स्पेस यूनिट यूएस स्पेस ओके लास्ट बट नॉट द लिस्ट वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे किस तारीख को मनाया जाता है दिस इज सेलिब्रेटेड ऑन सेवेंटीन ऑफ द मे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन सो डेट आई कैन मेक मोर वीडियोज़ फॉर यू एंड देर आर लॉट ऑफ वीडियोज कमिंग इन द नेक्स्ट वीक्स थैंक यू सो मच